पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनीलिव ऐप डाउनलोड करें। अमृता, तुम बताओ मुझे, क्या तुम वीर के लिए अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज, अपनी स्टडी, अपने सपने, अपना करियर सब कुछ छोड़ सकती हो और यहाँ पिंड में सेटल हो सकती हो फॉरएवर? और तुम वीर, क्या तुम न्यूयॉर्क सेटल हो सकते हो हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, भाऊजी और बीजी को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना वीर, मैं जो लूंगी जब लूंगी, अपने हक का लूंगी, किसी के एहसान में दिया हुआ नहीं। मुझे अपनी किस्मत और हमारे रिश्ते पे पूरा भरोसा है वीर। तुमसे जोर जबरदस्ती करके सगाई नहीं करूंगी वीर। वीर, आई रियली रियली लव यू और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मुझे ये बोलोगे एक दिन। वैसे भी तुम्हें मेरे जैसे मिलने भी नहीं, तुम्हें भी पता है ये। और जितनी गहरी दोस्ती है ना हमारी वीर, उसका अगला स्टेप प्यार ही होता है। और मैं खुशी खुशी वेट करूंगी उस स्टेप का। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई डर नहीं है और कोई शक भी नहीं है। शी इज राइट वीर, और मैं भी श्योर हूँ कि तुम दोनों से ज्यादा अच्छी जोड़ी और किसी की हो ही नहीं सकती। यू गाइस लुक परफेक्ट टुगेदर। और मैं रिया, मेरी वजह से तुमसे तुम्हारी थोड़ी सी भी खुशियां छीनी हो ना, अनजाने में तो ये जान लो कि ये वाली बिल्कुल भी नहीं छीनेगी। नेवर एवर। वीर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो वो गलत मोड़ हूँ जिसे सीधे चलते रास्ते पे लोग गलती से ले लेते हैं, लेकिन वापस उन्हें सीधे रास्ते पे ही आना पड़ता है। मैं कौन, मुझे बताएगा कोई? रास्ते में पड़ा हुआ ड्रम जिसे कोई उधर लुढ़का दे इधर लुढ़का दे। ये सही खेल मिल गया ना तुम दोनों बहनों को। मुझे ना तुम दोनों में से किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। इससे अच्छा तो होता मैं उस लकी से शादी कर लेता, सारा स्यापा ही खत्म होता यार। स्यापा तो मैं खत्म करूंगी ना वीर, ये सगाई नहीं होने दूंगी। और ये सगाई तभी होगी जब जब तुम मुझे आई लव यू बोलोगे। अरे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हो जाने दो यार बखेड़ा खड़ा, ये सगाई नहीं होगी। पर बाबूजी वो गुस्सा हो जाएंगे। मुझे खैरात में मिला हुआ मंगेतर नहीं चाहिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।